Good evening everyone and welcome to my Sunshine Academy. So this is class 9 history chapter. तो हम रोज फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में. पॉलिटिकल सिंबल्स तब बहुत कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत कुछ सिंबल्स यूज़ होता था, जैसे कि यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, दैट इज़ द ब्रोकन चेन. ब्रोकन चेन का मतलब है एक्ट ऑफ द दिस चेन वेर यूज टू फर्द स्लेव्स. ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. चेन अगर ब्रोकन चेन मतलब है एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यही है इसका मतलब. तो नेक्स्ट बंडल ऑफ रॉड्स. बंडल ऑफ रॉड्स मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बंडल ऑफ रॉड्स, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट द एंटायर बंडल. तो जैसे हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है कि एक स्टिक को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे स्टिक को एक बंडल में एक तार से अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता. तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी. एंड नेक्स्ट इज द आई विद इन अ ट्रायंगल. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, उसके बीच एक आई है, आँख है. इसका मतलब यही है द ऑल सीइंग आईज. ऑल सीइंग मतलब क्या है, जो सब कुछ देखता है. ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर द नॉलेज द रेज ऑफ द सन विल डिराइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. दैट मीन्स यहाँ पर नॉलेज का ये जो सिंबल है, ये सिंबल है नॉलेज का सिंबल है. नॉलेज मतलब ज्ञान चक्षु. ये ज्ञान चक्षु अगर खोल जाए तो आपके पास सन रे की तरह सब कुछ आपके पास क्लियर, दैट मीन्स आपके नॉलेज में क्लैरिटी भी आ जाएगा. तो इसके बाद हम बात करेंगे इस सिंबल के बारे में, दैट इज़ द स्केप्टर. स्केप्टर द सिंबल ऑफ द रॉयल पावर. ये जो है ये रॉयल पावर का एक सिंबल है. तो इससे मतलब ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है. और दूसरा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्नेक बीटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. यहाँ ये एक स्नेक का मुंह है, ये राउंड करके अपना ही टेल खुद खा रहा है. दैट इज़ द सिंबल ऑफ इटर्निटी. सो इट्स शेप लाइक अ रिंग. इसके बाद हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ द रेड पेरिजियन कैप. दिस कैप वर्न बाय अ स्लेव अपन बिकमिंग फ्री. सो जब फ्री हो जाता है तब ये कैप पहना जाता है. एंड ब्लू वाइट रेड ये जो सिंबल है, ये सिंबल है द नेशनल कलर ऑफ फ्रेंच. ये है फ्रेंच का सिंबल. द इसके बाद द विंग्ड वूमन. विंग्ड वूमन मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वूमन है, उसके पीछे एक पंछियों की तरह उनका, जो हम लोग बंगाली में जिसको, इंग्लिश में जिसको विंग्स बोलते हैं, दैट इज़ द विंग्ड वूमन. इट इज़ द पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ. दैट इज़ द लॉ जो है वो सब, मतलब वो एक जगह पे बाउंडेड नहीं है, वो फ्री है. और लास्टली जो है यहाँ पर द लॉ टेबल. द लॉ इज़ द लैंड ऑफ ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. ये इसका सिंबल है, दैट इज़ द लॉ. जो लॉ है वो मतलब सबके लिए है और सब लोग इक्वल है. इक्वल है बिफोर इट. लॉ अप्लाई के पहले सब लोग इक्वल है. सो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सिंबल था. ये सब सिंबल मैंने आप लोगों को बोल दिया, तो इतना ही आप लोगों के NCERT किताब में है. इसके बाद हम लोग टर्निंग टू कैसे फ्रेंच
रेवोल्यूशन के बाद टर्निंग टू रिपब्लिक सेक्शन में कैसे चला गया, जैकोबिन ग्रुप्स जो है, रॉब्सपियर जो है, इन लोगों का कैसे शुरू हुआ, ये कैसे ख़त्म हुए, इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन गुड बाय।